उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी या आपकी इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? ये लोग पहले ही चाइना रशिया के इशारे पर काम करते थे, ये देश की बर्बादी का हमेशा से जाल बुनते रहे हैं। 1962 की जंग हो या पुरानी बातें हो, इनका इतिहास रहा है सीपीएम का, देश के खिलाफ एंटी नेशनल जो गतिविधियां इनके द्वारा हुई हैं। इस प्रकार के लोगों को इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं रोकना जरूरी है, नहीं तो ये देश के लिए घातक सिद्ध होगा। हमारे पड़ोस में अगर लोगों के पास एटम बम है तो हम कभी नहीं ये कर सकते। तो आप समर्थन नहीं करते ऐसी? नहीं, ये करना ही नहीं चाहिए इन लोगों, वो ही नहीं कर सकता है, कहीं नहीं कर सकता है। जो प्रैक्टिकल नहीं है, अब लोग कहते हैं थ्योरेटिकल है, उन्होंने बकायदा घोषणा पत्र में अपने तो लिख रहा होगा, तो पूछा जाएगा क्यों लिखा है, हाउ कैन यू डू इट।